हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईव्स किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई कोकोनट की चिकन ग्रेवी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये रेसिपी मैंने मेरी मदर इन लॉ से सीखी थी, तो मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। इसे बनाइएगा ज़रूर एक बार और कमेंट में बताइएगा कि ये कैसी बनी है। और अगर जो आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे आने वाले वीडियोस आपको नोटिफाई हो जाएंगे। तो आइए बनाते हैं। मैंने लिया है 1.5 किलो चिकन, उसको अच्छे से वॉश करके उसका सारा पानी निकाल दिया है। और उसमें मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून। अब उसमें मैंने मिलाया है दही, 300 से 350 ग्राम है, ये ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें 1 स्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। हमने लिया है 1/2 नींबू का रस। अब हम उसको हाथ से अच्छे से मैरिनेट कर देंगे, उसको अच्छे से मिला लेंगे। आप स्पून या फोक का यूज ना करें, क्योंकि हमें इसको अच्छे से मैरिनेट करना है, वो सिर्फ आपके हाथों से हो सकता है। तो हम देखिए इस तरह से इसको मैरिनेट कर चुके हैं। इसको हम लिड लगा के साइड में रख देंगे, तब तक हम करते हैं हमारे मसाले की तैयारी। ये मैंने लंबा चॉप कर दिया है प्याज। तो हमने लिया है अदरक, लहसुन, प्याज, काली मिरी, लवंग, स्टारफूल, इलायची, दालचीनी, जावित्री, जीरा, और ये मार्केट में डेसिकेटेड कोकोनट मिलता है, और ये कोरिएंडर लीव्स लिए हैं, धनिया पत्ती। अब ये सारा कुछ हम अपने ग्राइंडर में हम सब एक साथ डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। देखिए हम एक एक करके हमारे ग्राइंडर में ये सारा कुछ डाल रहे हैं। तो आपको डेसिकेटेड जो कोकोनट रहता है, तो वो आपको बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। या तो आपके पास जो ड्राई कोकोनट जो भी घर पे रहा, तो उसको लंबा लंबा स्लिट करके भी आप इसमें डाल सकते हो। देखिए मैं ये कोकोनट डाल रही हूँ, ड्राई कोकोनट का पाउडर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कोरिएंडर लीव्स, ये मैंने मिक्सी चला ली है। और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 वाटी पानी, और इसको अच्छे से हम पीस लेते हैं। देखिए तो इस तरह से हमने अच्छे से चला लिया है मिक्सर को। अब ज़्यादा पानी मत डालिएगा इसमें, और ज़्यादा पतला मत होने दीजिएगा इसको। अच्छे से ये पीस चुका है। देखिए हमारा कोकोनट का मसाला ग्राइंड होके तैयार है। अब हम इसको हमारे बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। ये रेडी है हमारा मसाला, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अब हम तड़के के लिए लेंगे प्याज। प्याज को मैंने मीडियम चॉप किया हुआ है, आपको बारीक रखना है आप बारीक रख सकते हो, मैंने मीडियम चॉप किया है, ज़्यादा बारीक भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं। ये देखिए, अब हम लेंगे टमाटर। मैंने 5 बड़े टमाटर लाल वाले लिए हैं, इसको भी हम मीडियम चॉप कर लेंगे। वो ये हमारा मीडियम चॉप हो रहा है। इसको आप चाहिए तो आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, इसको प्योरी बना के भी डाल सकते हैं। मिक्सर में बस चला लीजिए उसको, छान के डालना हो तो छान के डाल सकते हैं, वरना आप इस तरह से भी डाल सकते हैं। अब ये देखिए, ये तड़के के लिए सारे मसाले हमने रेडी करके रखे हैं। टमाटर मसाला, प्याज, धनिया ज़ीरा, नमक, चिकन मसाला, हल्दी पाउडर, तेज पत्ता और लाल मिर्च। हम कहते हैं बड़ी वाली जो पतीला आता है वो ले लिया है, और इसमें मैंने डाल दिया है तेज पत्ता और प्याज। आप तेल कोई भी यूज़ कर सकते हो,
मैंने सरसों का तेल यूज किया है। इससे नॉनवेज बनाने में जब हम नॉनवेज के लिए बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ये तेल का। अब इसमें जाएगा हमारा ग्राइंड किया हुआ कोकोनट का मसाला। प्याज को अच्छे से ब्राउन कीजिएगा फिर ही ये मसाला डालिएगा। आप देख सकते हैं मेरे प्याज का कलर भी ब्राउन है और ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। मीडियम फ्लेम पे आप इसको अच्छे से मिला लीजिए। देखिए ये धीरे धीरे पक रहा है, इस वजह से ये पूरा अपना तेल छोड़ रहा है साइड से। हम इसको वापस 5 मिनट तक और मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। अब इसमें चिकन मसाला और हल्दी जाएगा। मैंने मार्केट से जो नॉर्मल मिलने वाले चिकन मसाले हैं वो मैंने ले लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया जीरा पाउडर 1 स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च आपके अकॉर्डिंग आप डालिएगा। अब देखिए इस तरह से ये इसका जो टेक्सचर हमें दिख रहा है बहुत ही सुंदर दिखता है ये। और हम इस मसालों को भी पका लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारे टमाटर। आप प्योरी अगर जो बनाया है तो आप प्योरी डाल दीजिए इस समय पे। ठीक है हमारा टमाटर, और हम इसे अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसे 5 मिनट ढक के रख देते हैं मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट और मशी हो गए हैं। हम इसे फिर से चला लेते हैं। वाओ बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये, और महक इसकी वाओ बहुत ही खुशबू आ रही है इसकी। हमारा प्याज लहसुन सब कुछ पक चुका है इसमें। इसमें हम डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार हम डालेंगे, ज्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमने मैरिनेशन के लिए भी हमने यूज किया हुआ है। और आपका जो टमाटर है वो तो गल ही जाना है बिकॉज हमें और चिकन डालना बाकी है। वो हमने देखिए अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें मिला रहे हैं हमारा मैरिनेटेड चिकन। ये गया हमारा चिकन और इसको हम चला लेंगे। इसमें अभी फिलहाल पानी ना डालिएगा इसमें। इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उसको मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाते रहेंगे ताकि चिकन भी अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए अच्छे से मिक्स कीजिए इसको। तो देखिए साइड से तेल छूट रहा है, चिकन हमारा ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है। तो हम जो मिक्सी में जो हमने ग्राइंड किया था उसी में पानी डाल के हम इसमें करी में हमारे पानी डाल देंगे। हम कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे इसमें क्योंकि इसमें मसाला पिसा हुआ था तो हमने इसमें डाल दिया मसाले का पानी। और एक बड़ा बाउल पानी, इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। आपको अगर जो इसकी कंसिस्टेंसी मोटी चाहिए थिक चाहिए तो आप कम पानी डालिए। हम इसको इसी तरह पकाने वाले हैं। तो इसमें अब जाएगा कसूरी मेथी। दोनों हाथों से मैंने उसको क्रश करके डाली है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट को काफ़ी एनहांस करता है। हम इसको चला लेंगे। देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये। और देखिए इसको एक बॉईल आ चुका है, बीच बीच में आप चेक करते रहिए। देखिए ऑलमोस्ट 90% तो हमारा चिकन पक चुका है। ये देखिए हम थोड़ी देर ऐसे ही उसको फिर से पकाएंगे। देखिए अब तो हमारा चिकन पक गया है और हम इसका फ्लेम, गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद। ठीक है तो ये मैंने कर दिया है फ्लेम बंद। हमारी कोकोनट वाली ग्रेवी एकदम रेडी है और देखिए कितना खूबसूरत है। आपका ये ग्रेवी बहुत बढ़िया बनने वाला है। इसका टेक्सचर कलर बहुत सुंदर है और बहुत महक है इसमें। ये देखिए
मैंने इसको गार्निश कर लिया है कोरिएंडर लीव से। सर्विंग बाउल में निकाल लीजिए और ये झटपट सी चिकन ग्रेवी आपकी ड्राई कोकोनट वाली रेडी है।